नमस्कार, मैं मयूरी और मैं बना रही हूँ आलू गोभी की हल्की फुल्की ग्रेवी वाली सब्जी। आइए इंग्रेडिएंट्स देखें। 250 ग्राम आलू, 250 ग्राम कॉलीफ्लावर, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग, आधा टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, पानी, 1 छोटा चम्मच शक्कर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून तेल, नमक स्वाद अनुसार। फ्लेम ऑन करें, 2 टेबलस्पून तेल डालें, थोड़ा सा हींग डालें, 1 टीस्पून जीरा डालें, स्प्लटर होने दें। अब इसमें डालेंगे हम 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर को अच्छे से भून लें ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है वो निकल जाए। अब इसमें सारे सूखे मसाले हम डालेंगे, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, शक्कर ताकि खट्टी मीठी ग्रेवी हो, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसे और थोड़ा फ्राई करेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद आप इसमें आलू डालें कटा हुआ। अब इसमें कटा हुआ कॉलीफ्लावर डालेंगे, आंच धीमे करें, एक बार ब्रीफली टॉस करें, टेस्ट के अनुसार नमक डालें। आपको जिस तरह का ग्रेवी चाहिए उस तरह से आप पानी ऐड करें, और ज़्यादा पानी ऐड करना चाहें तो आधा कप और पानी ऐड करें। एक बार सारी सामग्री मिला लें। अब इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। मुझे लगता है हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करें और सर्व करें। इसे आप सर्विंग बोल में निकाल लें। ये देखिए, आलू और गोभी की हल्की फुल्की ग्रेवी वाली सब्ज़ी तैयार है।